मेरे लिंग का रंग बहुत ही काला नजर आता है मुझे मुझे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के सामने। अक्सर ये सवाल आता है हमारे पास, और करीब करीब हर रोज़ या हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन पे या हमारी ओपीडी में करीब करीब हर रोज़ कुछ लोग ये सवाल करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। हमारे क्लिनिक दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह पे हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट drarodas.com जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, उस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। अक्सर लोगों में बहुत ख़तरनाक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मेरे तो पीनिस का, मेरे तो लिंग का कलर ही बहुत, मेरी बॉडी से, मेरी बाकी स्किन से उसका कलर बहुत डार्क है, वो बहुत काला सा नज़र आता है। और कई बार तो लोग इसको गोरा करने के लिए, इसके रंग को साफ करने के लिए जो मार्केट में चीज़ें, क्रीम्स अवेलेबल हैं रंग को गोरा करने के लिए, आप टीवी पे, अखबारों में एड्स देखते हैं, सैकड़ों तरह के प्रोडक्ट्स ऐसे पड़े हुए हैं। उनमें से कुछ फेमस प्रोडक्ट्स हैं जिनको बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी एंडोर्स करते हैं कि ये लगाने से मैं गोरा हो गया, हैंडसम हो गया, सुंदर हो गया या सुंदर हो गई, मेरी स्किन में ग्लो आ गया। ऐसी क्रीम्स को लोग लगाने लग जाते हैं अपने पीनिस को गोरा करने के लिए। भाई ऐसा मत कीजिए। इन क्रीम्स की वजह से आपका लिंग, आपका पीनिस का रंग तो गोरा शायद कभी नहीं होगा, मगर उसके अंदर अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर पैदा हो सकती हैं। आपका लिंग क्यों लगा है आपकी बॉडी में? या तो पेशाब करने के लिए, यूरिन करने के लिए, या सेक्स करने के लिए, या मैस्टरबेट करने के लिए। क्या इन किसी भी चीज़ों में आपके पीनिस का रंग का कोई फर्क पड़ता है? इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान के चेहरे के रंग का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, आपके अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। चेहरे के रंग का भी फर्क नहीं पड़ता, लोग कहाँ पे लिंग के रंग के अंदर घुस जाते हैं। अगर आप अच्छे तरीके कॉन्फिडेंट हैं अपने बारे में, आपको इरेक्शन अच्छा होता है, आप अच्छे से सेक्स कर पा रहे हैं, तो लिंग के कलर का क्या लेना देना है? क्यों बिना वजह आप अपने लिए अननेसेसरी टेंशन पाल रहे हैं? जस्ट कीप योरसेल्फ रिलैक्स्ड। सबके पीनिस का रंग उनकी स्किन के कलर के हिसाब से डार्क ही होता है, बिकॉज प्यूबर्टी के टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर बदलाव में आती हैं। उनमें से एक बदलाव ये भी होता है कि जब बच्चा प्यूबर्टी में एंटर होता है तो धीरे धीरे उसके लिंग के स्किन का जो चमड़ी का रंग होता है वो डार्क होने लग जाता है। दैट इज़ 100% नॉर्मल। आप किसी भी मुल्क में जाइए, किसी भी कंट्री में, किसी भी कॉम्प्लेक्शन रंग के लोगों को देखिए, उनका सबका लिंग की चमड़ी का कलर उनके चेहरे या उनकी बाकी बॉडी के कलर से, कॉम्प्लेक्शन से बिल्कुल डार्क होगा, अलग होगा। सो इसकी चिंता मत कीजिए। आप अपनी ओवरऑल हेल्थ मेंटेन कीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, अपनी इरेक्शन को बेहतर रखिए, अपने पार्टनर के साथ हज़ार तरीके हैं, बिस्तर में, बेडरूम में उनको खुश करने के लिए फोर प्ले के तरीके सीखिए, बहुत सारी चीज़ें जिससे आप उनका दिल जीत सकते हैं, आप उनको बेडरूम में वो खुशी दे सकते हैं जो उनका और आप दोनों का हिस्सा है, आपका हक है, आपके हक का हिस्सा है। लिंग के रंग से कुछ नहीं होगा, सो इसकी चिंता छोड़िए और ऐसी कोई क्रीम्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी बातें जायज़ लगती हैं, आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपको कुछ वो सवालों के जवाब मिलते हैं जो आपके जहन में उठते रहते हैं और आप अपने आप में सोचते रहते हैं कि कहाँ से जवाब ढूंढूं, आपको लगता है कि यहाँ पे आके सही जवाब मिलते हैं, तो इन वीडियोज़ को आगे शेयर कीजिए ताकि हम और आप मिल के सही इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि जैसे ही मेरा कोई वीडियो हर रोज़ नया आता है, करीब करीब हर रोज़ एक नया वीडियो आता है, जैसे ही मेरा एक नया वीडियो आए सबसे पहला इन्फॉर्मेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप एन्जॉइंग कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी सेक्स लाइफ।